बीते दिन सेक्टर 22-23 लाइट पॉइंट पर थाना प्रभारी रामरत्न और समाज सेवियों ने गरीबों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। इस मौके पर मुख्य अतिथि थाना प्रभारी रामरत्न को गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन समाज सेवी नीना सिंह, समाज सेवी भूपेंद्र नानद, प्रमोद कुमार बंसल, संजीव अग्रवाल, अंकिता गुप्ता आदि द्वारा किया गया। इस खास अवसर पर थाना प्रभारी रामरत्न ने सभी समाज सेवियों को इस नेक कार्य के लिए बधाई दी। थाना प्रभारी ने सभी समाज सेवियों को मनोबल बढ़ाया और भविष्य में ऐसे कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। देखिए आज प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से अजय चौधरी की यह रिपोर्ट। जी आपका शुभ नाम क्या है? भूपेंद्र कुमार नारद। नारद जी ये बताइए, जो आज आपने कार्यक्रम किया उसमें आपने क्या क्या चीजें डिस्ट्रीब्यूट की हैं और आपके साथ आपने किन किन लोगों को आमंत्रित किया था? कल शाम को मेरे को संजीव भाई का फोन आया था 23 सेक्टर से, ये कहते हैं कल को हमने छोटा सा प्रोग्राम करना है 23 सेक्टर 22-23 की लाइटों पे। वहाँ पे हमारे SHO साहब रामरतन जी आ रहे हैं और नीना मैडम हैं हमारे जो समाज सेवी हैं, बहुत देर से समाज सेवा के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लॉकडाउन के अंदर लंगर सेवा में हमारे साथ जाती रही हैं, वो भी आ रही हैं। तो संजीव, मैंने कहा संजीव जी को मैं आ जाऊँगा, कहते कल को 12:15 बजे आ जाना। मैं 12:15 बजे यहाँ पहुँच गया। जब मैं यहाँ आया, संजीव जी, नीना मैडम, SHO साहब सब आ गए, तो उन्हें 22-23 की लाइटों पे जितने भी रिक्शा वाले थे, रेहड़ी वाले थे, साइकिल वाले थे, ऑटो वाले थे, सबको सैनिटाइजर और सबको हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए, जिसे हमें बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत प्रसन्नता हुई और लोगों ने उसकी बहुत सराहना भी की। धन्यवाद। मैम आप समाज सेवी हैं, आप बताइए, आप काफ़ी दिनों से करीब लॉकडाउन के दौरान आपने सेवाएं की है, आज आप यहाँ पे आए हैं, आपने किस क्या महसूस हो रहा है मैम? हमने मिलके संजीव जी की इन्फॉर्मेशन पे हम लोग यहाँ सुबह आए और हमने यहाँ लोगों को मास्क दिए, सैनिटाइजर दिए, ये देखते हुए कि आज का टाइम पे बहुत ज़्यादा कोरोना का बहुत पीक चल रहा है और हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए, इसलिए हमने पहले मास्क बनाए और आज हमने संजीव जी के कहने से हमने आज लोगों को सैनिटाइज दिया, मास्क दिया, ताकि लोगों को हम सेफ्टी के लिए अवेयरनेस कर सकें कि हम लोग हमको अब लाइफ में कैसे अपने आप को फेस करना है। तो हमने लोगों को फ्री में हमने लोगों को सैनिटाइज वगैरह दिए हैं और हम फ्यूचर में हम भी प्लान करते रहेंगे ये चीज़ें कि हम लोगों की जितना सेवा करते रहें। और एक इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है जो भगवान ने शायद संजीव जी को दिया है, उनके बिहाफ पे हम लोगों ने ये सारा कुछ किया और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी संजीव जी का, जो उन्होंने हमें अपने इस कड़ी के साथ हमें जोड़ा। संजीव जी ये बताइए कि आपने क्या, आपके मन में ये बातें आई कि आपने मानव सेवा के दौरान अपना मनोबल दिखाया? हम जब से लॉकडाउन हुआ था तो हमने 72 दिन लंगर की सेवा दी, जहाँ जहाँ तक खाना नहीं पहुँचा हमने वहाँ पर भी भेजा। हमारे साथ भूपेंद्र नारायण जी, नीना मैडम, ये हमारे साथ उस दौरान हमारे साथ जुड़े थे, जिससे हम कोई अपने घर से निकलने के लिए बहुत ही मतलब मनोबल चाहिए था, बहुत डरते थे। उस टाइम हमने ये सब ने हमने टीम मिलकर हमने सेवा की। बस मेरे दिमाग में रोज़ अखबार पढ़ता था कि आज चलान हुआ, आज मास्क नहीं है, आज फलाना नहीं है, तो मेरे माइंड में बैठे बैठे ये आया कि नहीं क्यों मैं अपनी टीम को इकट्ठी कर कर, जैसे मेरे भूपेंद्र भाई बड़े भाई हैं जो कि परशुराम मंदिर के फाउंडर मेंबर हैं, नीना मैडम जो इंडस्ट्रीज है इतने बड़े हैं, उनका अपना बुटीक है, तो उनसे मैंने सलाह की, उनसे फ़ोन पे बात की, तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, जैसे आप प्रोग्राम वैसे करें। तो नीना मैम अपने हाथों से जो मास्क तैयार करके लाए और भूपेंद्र जी जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा कि हमारे साथ सैनिटाइजर उन्होंने हमें मुझे दिए और काफ़ी सामान हमने इकट्ठा करके हमने 22-23 की लाइटों पर हमने पहला प्रोग्राम रखा कि उन लोगों से जिनके चलान हो रहे हैं, प्रशासन जिनको देखते हैं उनके पास मास्क नहीं है, उनको 500 रुपया चलान कर रहे हैं, तो हम भी कोशिश यही रहा कि हम मास्क और सैनिटाइजर उनको दें जिनके पास जरूरत है और जिनके पास नहीं है। थैंक यू जी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।